दमोह जिले के ग्रामीण कस्बों में अधिकतर मिलने वाला खट्टी इमली का पौधा आयुर्वेद में इतना गुणकारी पौधा माना जाता है जिसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसमें कई तरह के एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं जो शरीर को तगड़े फायदे पहुंचाता है, शरीर की कई रोगों से रक्षा भी करता है। इसमें फाइटोकेमिकल और एमिनो एसिड पाया जाता है। इमली के पौधे में एंटीऑक्सीडेंट गुण तो मौजूद होते ही जो शरीर की प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का काम करती है। इमली के पौधे का जो होता है उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, हेल्थ होता है और विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने का पाचन क्रिया में भी सकता है। इसके अलावा विटामिन सी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के अलावा ये एक्स्ट्रा फैट जो होता है फैट डिजॉल्व या फैट को डाइजेस्ट करने में भी इसका काफ़ी और इमली का जो उपयोग है वो इससे वजन को कम किया जाए तो इसको फैट को डिजॉल्व वजन को भी कम किया जाए। दर्द होता है हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है इमली और इसके अलावा पाचन संस्थान इसमें कई बीमारियों में इमली को जो है बढ़ने आ देते हैं छोटा वगैरह तो उसका ये ड्रॉबैक भी है, कुछ चीज़ों में इसका ड्रॉबैक भी होता है। आम की जैसे आम अवस्था होती है किसी चीज़ की उसमें खटाई में जैसे इमली वगैरह बंद की जाती है, स्किन डिसऑर्डर वगैरह में भी इमली को बंद किया जाता है, ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें इमली को बंद भी किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका ये महत्वपूर्ण